नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पीटीजेट कैमरे को कैसे एक्टिवेट करते हैं और उसमें कैसे आप प्रीसेट बनाते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कैमरे की करेंगे अनबॉक्सिंग। ये इसमें आपको मिल जा रहा है एसेसरीज और ये है आपका कैमरे का स्टैंड और आपको मिल जा रहा साथ में कुछ नट हैं जो इसमें टाइट होंगे और ये है बैक साइड की रबड़ जो आपको लगानी होगी अगर आप पोल में बांधते हैं कि पानी अंदर न जाए। ट्वेंटी फाइव एक्स का आपको पीटीजेट कैमरा मिल जा रहा है और इसमें आप पीयूएफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप पावर भी लगा सकते हैं। इसमें कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं पावर का और इसमें अलार्म का भी दिया गया है। और तो हम फटाफट इसकी पॉलिथीन निकालेंगे। ये आपको एक्सेसरीज मिल जा रही है और साथ में ये है ब्रैकेट, इसको कर दे रहा साइड में। ये हमको मिल जा रहा है 25X का थौवा का पीटीजेट कैमरा 360। तो इसको हम चालू करके देखेंगे। कैमरा हम इस साइड रख दिए हैं और हम पावर कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है पावर है, तो पावर हम यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि पीयूएफ नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे पावर यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। और साथ में हम यहाँ पे लैन केबल लगाएंगे यहाँ पे और ये जैसे पावर लगाएंगे तैसे मूव कर जाएगा। आप देख सकते हैं अभी मूव करेगा ये। और दूसरा जो सिरा है हम लगाएंगे अपने लैपटॉप में। तो हम अपने कंप्यूटर पे आ चुके हैं और हम सबसे पहले, अगर आपके पास टूल है जैसे कि आईपी फाइंडर या आपको आईपी कॉन्फ़िग टूल है तो उससे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आईपी कैमरे एक्टिवेट कैसे किया जाता है वो बताया है, तो वो वीडियो अगर देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आईपी फाइंडर टूल ओपन करेंगे और करेंगे यस। तो यहाँ पे जो इस कैमरे की आईपी यहाँ पे शो कर जानी चाहिए। अगर नहीं शो कर रही है तो आप नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे नेटवर्क है जहाँ पे वाईफाई का सिंबल, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप इथरनेट में जाएंगे तो नो इंटरनेट लिख कर आ रहा, चेंज एडाप्टर ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर इथरनेट पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको TCP/IP V4 को सिलेक्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो यहाँ पे कोई आईपी नहीं असाइन है तो यहाँ पे हम आईपी असाइन कर देंगे 192.168.1.25। ओके करेंगे यहाँ पर, क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज, ये भी कर देंगे क्लोज और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आईपी हमारी अब कैमरे की शो हुई है। तो पहले क्या होता था कि अगर आपके कंप्यूटर में आईपी नहीं असाइन होती तब भी आ जाता था। अब जो अपडेट हुआ कि अगर आपके कंप्यूटर में आईपी नहीं असाइन है तो यहाँ पे कैमरा नहीं शो करेगा। तो कैमरा हमारा शो कर गया है, आप इससे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इनिटराइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनिटराइज पे क्लिक करेंगे और नया पासवर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड कन्फर्म और उसके बाद ईमेल, फिर नेक्स्ट करेंगे तो कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है आपका, यहाँ पे आईपी कॉन्फिग टूल भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से भी आप कैमरा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑन हो गया है और ये देखिए यहाँ पे भी कैमरा आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इनिटराइज पर क्लिक करेंगे, फिर वैसे ही ऑप्शन आ रहा है इनिटराइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लीज पेड बता रहा है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ईमेल डाल करके आपको नेक्स्ट करना है तो यहाँ से भी आपका जो कैमरा है एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप ये आप माइक्रोसॉफ्ट पेज ओपन करेंगे और यहाँ पे हम आईपी डालेंगे 192.168.1.108। तो ये आईपी जैसे डाल करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है
एक पेज ओपन हुआ जो इनिटराइजेशन का है। तो यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी से एक्टिवेट करेंगे डायरेक्टली इंडिया। लैंग्वेज आपको दिख जाएगा, वीडियो स्टैंडर्ड आपको चल दिख जाएगा। तो वीडियो स्टैंडर्ड में पाल होना चाहिए। लैंग्वेज में जो चाहें आप रख सकते हैं, इंग्लिश बहुत सारी आपको मिल जा रही है यहाँ पे लैंग्वेज। और रीजन हम इंडिया से हैं तो इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से हल्का सा स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे आपको टिक करना है आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट एंड पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी। फिर करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको डेट और टाइम, डेट फॉर्मेट, टाइम जोन, सिस्टम टाइम, और उसके बाद फिर यहाँ पे विल बी मॉडिफाई अगर करना चाहे तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप, मैं तो लैपटॉप से कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंक कर लेंगे तो जो हमारे कंप्यूटर का टाइम होगा वो टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यूजर नेम आप देख सकते हैं कि यूजर नेम है एडमिन, और पासवर्ड आप जो चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। तो पासवर्ड मैं फटाफट बना ले रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए LUCANOW@1। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है। कंफर्म करेंगे पासवर्ड को LUCANOW@1। यहाँ पे ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी है डालना। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप ईमेल एड्रेस से कैसे आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं 5 मिनट में। बहुत जल्दी आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो रीसेट बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसीलिए इसमें मेंशन भी किया गया है कि फॉर पासवर्ड रीसेट रिकमेंडेड और इम्प्रूव इन टाइम। उसके बाद फिर आप करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। तो ये है हमारा जो ऑप्शन है P2P के लिए है, पॉइंट टू पॉइंट ऑनलाइन करने के लिए। अगर ये टिक रहेगा और IP और DNS सब सही रहा तो ऑटोमेटिक ये जो कैमरा है हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। तो हम इसको टिक को हम हटा देंगे और करेंगे नेक्स्ट। और ये अपडेट्स के लिए है, ये लगा रहने देंगे। जैसे नेट मिलेगा तो ऑटोमेटिक इसका फर्मवेयर अपडेट वाला ऑप्शन आएगा, आपको अपडेट करना होगा इसको लॉग इन करके। तो यहाँ पे आप कर देंगे एंड, तो सक्सेसफुली इनिटराइज का आपको पॉपअप एक मैसेज मिला। और ये देखिए इसकी थंबनेल बहुत बेस्ट है। और यहाँ पे यूजर नेम बाय डिफॉल्ट कैमरे की जो एडमिन ही रहता है, तो यहाँ पे हम एडमिन डालेंगे। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो पासवर्ड का ऑप्शन, जो पासवर्ड अभी मैंने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन करने पर आपको यहाँ पे कैमरे का व्यू मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इसका जो फर्मवेयर है चेंज हो गया है, पहले जैसे ऑप्शन नहीं रहा, सारी सेटिंग चेंज हो गई है। ये देखिए दिख रहा है, पंखे के होल में लगा नहीं है। और इसमें मूव कराने के लिए ये देखिए ये ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए घूमेगा। आप यहाँ पे चारों तरफ घूम सकते हैं। यहाँ पे आप जूम और जूम प्लस जूम माइनस दिया गया है, अगर यहाँ पे जूम करना चाहें तो यहाँ पे जूम कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन सारे दिए गए हैं, नहीं तो आपको सेटिंग में जाना होगा। ये सेटिंग है और यहाँ पे PTZ का ऑप्शन, प्रॉपर आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ से आप प्रीसेट बनाएंगे, वहाँ एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से आप बनाएंगे प्रीसेट। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ऐड प्रीसेट, तो पहले हमें लोकेशन चूज करनी होगी कि पहला प्रीसेट हमें कितना एरिया दिखाए, क्या हमें देखना है, दूसरा एरिया क्या देखना है, तीसरा एरिया क्या देखना है, ऐसे आपको प्रीसेट यहाँ पे सेव करने। तो मैं 2 प्रीसेट बनाऊंगा। पहला प्रीसेट हमारा रहेगा, पहले हम लोकेशन यहाँ से इधर कर ले रहे हैं, ये देखिए। और हम चाहें तो यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं और इसको हम हल्का सा हमको स्क्रीन पूरी देखनी है। और हल्का सा कोई नहीं, इतना चलेगा। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ऐड प्रीसेट में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा सेव का ऑप्शन।
तो यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखेंगे तो प्रीसेट का एक नंबर लिख कर आया है, प्रीसेट वन। पहला प्रीसेट हमारा बन गया है। दूसरा प्रीसेट के लिए आपको दूसरी लोकेशन चूज करनी है, जैसे कि अब हम यहाँ पे ये बना चुके हैं प्रीसेट, तो हम यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे हम फिर ऐड प्रीसेट में करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे एक और प्रीसेट बना ले रहे हैं और यहाँ पे हम एक और प्रीसेट यहाँ पे बना लेंगे, ऐड प्रीसेट में जाएंगे और करेंगे सेव। तो प्रीसेट हमारे बन गए हैं। उसके बाद फिर हमें टूर में आना है, टूर ग्रुप में आना है। तो यहाँ पे एक टूर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ऐड ए टूर करेंगे और यहाँ पे अब टूर जैसे कि ग्रुप वन का बन गया है, तो यहाँ पे रन पे अभी नहीं सिलेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्रीसेट के अंदर टूर जाता है तो प्रीसेट ऐड नहीं है। तो हम ऐड प्रीसेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रीसेट नंबर वन चूज कर लेंगे, पहले से चूज है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ऐड प्रीसेट टू करेंगे और यहाँ पे हम दूसरा प्रीसेट ले जाएंगे। तो जैसे प्रीसेट ले जाएंगे ऑटोमेटिक टू पे आ जाएगा। एक प्रीसेट और हम बनाएंगे यहाँ पर, थ्री वाला सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि प्रीसेट हुआ और आप यहाँ पे अब जो है अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन अब हाईलाइट होगा, अब ये घूमेगा, प्रीसेट वन ये है। लेकिन आप अगर प्रीसेट सेट करते हैं तो प्रॉपर आप उसको कीजिए सेव। तो यहाँ पे हम अब दूसरा प्रीसेट गया। उसके बाद फिर हमें ये करना है कि आप आइडियल मोशन में जाएंगे, इसमें कुछ और सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप इंटरवल जो है आइडियल मोशन हटा देंगे, ये देखिए आइडियल मोशन जो है यहाँ पे कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। और एक पावर का ऑप्शन होता है, ऑटो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या है कि अगर लाइट जाती है तो ऑटोमेटिक ये मूव करता रहेगा, इसे मूव कर रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए कि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन बच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।